अगर आपने संपूर्ण गीता नहीं भी पढ़ा है, फिर भी अगर आपने श्रीमद् भगवद् गीता का ये 31 उपदेश सुन लिया तो भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। श्रीमद् भगवद् गीता के पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है, आपके हर सवालों का जवाब है। भगवद् गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। श्रीमद् भगवद् गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भगवद् गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवद् गीता के 31 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज जरूर सुने। तो चलिए जानते हैं भगवद् गीता के 31 महत्वपूर्ण विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो, अर्थात अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करके करो। जो लोग इस प्रकार से कर्म करते हैं वो कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी की स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्म फल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्मफल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है और वह परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होता है। मृत्यु का भय होना अज्ञानता है। मृत्यु सिर्फ इस नश्वर शरीर की होती है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है।
हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचें। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वो अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पालौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर कूकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्मफल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्मयोग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। ये संसार मेरी ही माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब जब इस संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और मनुष्यों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर
मुझको भजता है तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त आ जाए कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल भी खराब हो जाती है। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है
जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।